किशोर जगत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम डॉक्टर सैम पित्रोदा, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के जादूगर। समय की बात है जब सारे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांतिकारी लहर चल रही थी। उसी वर्ष सन 1942 नवंबर 16 को उड़ीसा राज्य के टीटलागढ़ नामक स्थान पर एक मामूली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पहले सत्येन और आगे चलकर सत्यनारायण पित्रोदा पड़ा। सरनेम पित्रोदा पीतल शब्द से निकला है, क्योंकि पित्रोदा के पूर्वज ब्रास यानी पीतल पर कशीदाकारी का काम किया करते थे। इनके पिता गंगाराम ने केवल चौथी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी और माता शांताबेन तो बिल्कुल निरक्षर ही थीं। लेकिन ये बच्चा बहुत ही होनहार था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में आनंद वल्लभ विद्यालय में हुई। शुरू से ही इनका ध्यान विज्ञान विषय में अधिक रहता था। एक दिन ओफो सैम, क्या खटपट लगा रखी है, शोर बंद कर। माँ बस दो मिनट। क्या दो मिनट, जब देखो कूड़ा का बाड़ा उठा लाता है और खट खट शुरू कर देता है। ओहो क्या मजा, जो दोपहर में दो मिनट भी आंख लगने दे। हाँ जाने दे तेरे बाबूजी को, सब बताऊंगी। बस माँ हो गया, देखो आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। जादू? हाँ जादू। ग्राम बेल एक विज्ञानी है, मैंने उनकी एक कहानी पढ़ी थी, उन्हीं से मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रेरणा मिली। देखो इस तार का ये सिरा पकड़ो। ठीक है। अब मैं दूसरे सिरे को पकड़कर उस कमरे में जाता हूँ। क्यों बेटा? देखो माँ। एक मिनट। तार के गोल बटन को कान में लगा लो माँ। हाँ ठीक है। माँ क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे ये तो तू ही बोल रहा है, पर तू तो उस कमरे में है, फिर इतनी साफ आवाज कैसे आ रही है? हाँ माँ यही तो जादू है। ये जादू तो ग्राम बेल ने पहले ही कर दिया था। और माँ कैसा लगा मेरा जादू? अरे बेटा आ गया भाई, ये तो कमाल की चीज है। और तुम देखना एक दिन मैं इस जादू को पूरे भारत में फैला दूंगा। शाबाश मेरा बेटा। ये तो बड़े ही काम की चीज है। मैं तो सोचती थी कि तू एकदम निठल्ला बैठकर पता नहीं क्या फालतू का काम करता रहता है। मेरी अच्छी माँ। लेकिन तू तो वो काम करता है जो इस गांव में कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब आगे से तुझे जो भी करना हो अपनी मर्जी से करना बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मेरी प्यारी माँ। मेरा प्यारा बेटा। इस तरह सैम ने बचपन में ही अपनी प्रतिभा के दर्शन करा दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc की डिग्री ली और फिर अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। फिर शिकागो में सन 1966 से 1974 तक JTE यानी जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर काम किया और सन 1974 के अंत में अपनी खुद की कंपनी
वेस्टकॉम स्विचिंग इनकॉर्पोरेशन खोली। इस कंपनी का उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्विच का निर्माण करना था। एक दिन अपने ऑफिस में हेलो हेलो रावले जी सर रावले सर मेरे कमरे में तो आ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जी सर मैं आई कम इन रावले आ जाओ सर आपने मुझे याद किया हाँ रावले जरा ये इंस्ट्रूमेंट देखो और बताओ कि कैसा है सर ये तो टेलीफोन जैसा दिख रहा है टेलीफोन जैसा नहीं ये टेलीफोन ही है लेकिन सर इसमें नंबर डायल करने वाला गोल डायल तो है ही नहीं हाँ वो तो नहीं है लेकिन इसमें नंबर तो दिख रहे हैं ना जी सर वो तो दिख रहे हैं बस यही है नंबर दबाओ और डायल करो मतलब गोल गोल घुमाने की बजाय नंबर दबाने से ही नंबर डायल हो जाएगा बिल्कुल अभी मैंने इसी फोन से तुमसे बात की थी क्या सच कह रहे हैं आप विश्वास नहीं होता सर ये कंप्यूटर साइंस का कमाल है रावले अच्छा तुम्हें हमारी इलेक्ट्रॉनिक डायरी याद है जी हाँ बल्कि अब तो मैं खुद भी उसका इस्तेमाल करता हूँ गुड गुड ये बताओ कि वो कैसे काम करती है उसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की सहायता से वो काम करती है उसमें हम किसी का नाम एड्रेस फोन नंबर और दूसरी जरूरी डिटेल्स फीड कर सकते हैं करेक्ट मैं तो हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ वाकई बड़ी कमाल की चीज है बस बस इतना ही काफी है तुम ये समझ लो कि कुछ ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर इस फोन में भी हैं साथ में एक चिप है जिससे नंबर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि नंबर दबाने से काम चल जाता है सर आप वाकई सच कह रहे हैं फिर तो इससे डायलिंग बड़ी ही आसान हो जाएगी बिल्कुल यू गॉट इट राइट अब तो एक छोटा सा बच्चा भी नंबर डायल कर सकता है जी सर इसके अलावा परंपरागत फोन में अगर नंबर नहीं लगता है तो बताओ क्या करना पड़ता है जी वो भी एक झंझट ही है क्योंकि फिर से सारे नंबर दोबारा घुमाने पड़ते हैं दैट्स करेक्ट लेकिन इसमें सिर्फ ये एक रीडायल का बटन दबाने भर से पूरा नंबर दोबारा डायल हो जाता है रियली सर वाकई ये तो आपने कमाल कर दिया सर रियली अरे भाई ये तो शुरुआत ही है जी सर अभी तो बहुत काम करना बाकी है वेस्टकॉम स्विचिंग इनकॉर्पोरेशन को 6 साल बाद सन 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने खरीद लिया जिसमें सैम पित्रोदा ने लगभग 3 वर्ष तक प्रधान के रूप में काम किया और फिर भारत लौट आए। आश्चर्य की बात है कि टेलीफोनिक क्रांति के जनक डॉक्टर सैम ने पहली बार फोन का इस्तेमाल अपने अमेरिका दौरे में किया था। भारत लौटकर सन 1984 में उन्होंने सी डॉट की स्थापना की जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें अपने तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार भारत के 2 दूरदर्शी युवाओं ने मिलकर काम शुरू किया। मई 17 सन 1989 का दिन वर्ल्ड टेलीकॉम डे था और इस दिन डॉक्टर सैम को नेशनल टेलीकॉम मिशन के अंतर्गत भारत के टेलीकॉम आयोग का पहला चेयरपर्सन चुना गया। किंतु कुछ मतभेदों के कारण कुछ वर्ष बाद ही वे अमेरिका चले गए जहां उन्होंने वर्ल्ड टेल नामक कंपनी के लिए काम किया। सन 2004 में सरकार ने डॉक्टर सैम को भारत वापस आने का निमंत्रण दिया। भारत आने पर सन 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया। तब से वे निरंतर नई नई डिजिटल तकनीकें पेश कर रहे हैं।
एक साक्षात्कार में उन्होंने डिजिटल तकनीक द्वारा भारत के बदलते परिवेश के विषय में कुछ विशेष बातें बताईं। डॉक्टर सैम, यस, आप डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में अभी तक 50 से अधिक पेटेंट अपने नाम करा चुके हैं। दैट्स करेक्ट। आगे आप और क्या उम्मीद रखते हैं? वेल, तकनीक का पेटेंट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट बी अवेयर कि कुछ विकसित देशों ने भारत की कितनी ही चीज़ों का पेटेंट करवा कर खरबों रुपए कमाए हैं और कमा रहे हैं। दे मेड मिलियंस आउट ऑफ इट, रादर बिलियंस आउट ऑफ इट। जी डॉक्टर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गलती आगे ना हो और ये पैसा और ये तकनीक दोनों ही भारत की डेवलपमेंट में काम आए। तो डॉक्टर साहब, अभी आप भारत में डिजिटल तकनीक का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो ब्राइट है, भविष्य वाकई उज्जवल है। आज आप देखिए, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी के हाथ में मोबाइल फोन आपको नजर आता है। जी। और पब्लिक टेलीफोन बूथ्स भी लाखों की तादाद में है। यू प्रेस अ फ्यू बटन्स और दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, जो रूरल एरियाज हैं उनमें अभी बहुत काम करना बाकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने में टेलीफोन जैसी जो बेसिक फैसिलिटी है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आप सच कहते हैं डॉक्टर सैम। हम सब देशवासियों की ओर से शुभकामना है कि आप नए नए आविष्कार करें और नई से नई डिजिटल तकनीक देश को प्रदान करें। वेल, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर सैम। सैम पित्रोदा जानते थे कि जब तक देश के गांवों को तकनीक से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश को तकनीक का वास्तविक फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने इस दिशा में भी ध्यान दिया। उन्होंने देश के विरल आबादी वाले क्षेत्रों में छोटे रूरल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। युद्ध स्तर के इस कार्य में सारे देश में लगभग 6 लाख टेलीफोन बूथ अब तक लगाए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। देश के विकास में इनके इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें 2009 में प्रधानमंत्री के सलाहकार का पद सौंपा गया। आज भी डॉक्टर पित्रोदा देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में तन मन धन से जुटे हुए हैं। आशा करते हैं कि वे अपने आविष्कारों और मार्गदर्शन से देश को सर्वोच्च शक्ति बनाने में अवश्य सफल होंगे। डॉक्टर सैम पित्रोदा, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के जादूगर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख जयप्रकाश विलक्षण, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, किशोर सहजानी, ममता मलकानी, राजेश आहूजा और सावित्री, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।